हो गई पता नहीं क्यों। जनसुनवाई ये जनसुनवाई का जो निखिल लेख बताया था कि जनता के बीच में जाके सुनवाई, बात जनसुनवाई का सबसे बड़ी बात यह कि जनता होनी चाहिए और जनता के बीच में सुनवाई होनी चाहिए। निखिल क्योंकि जी आ आप एक, गए हैं, निखिल जी आ गए हैं तो वो अपनी बात पूरी हाँ कर एक लें। बार निखिल अपना पूरा कर दें, निखिल आप पूरा कर दो। को अनम्यूट करिए। मैं यही कहना चाह रहा था कि शंकर अब बोलें और पारस बोलें, और लास्ट में मैं थोड़ा सा बात रख लूंगा क्योंकि हम बहुत टाइम भी नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि अभी सोशल ऑडिट बहुत फैल रहा है, एक बहुत बड़ी सोशल ऑडिट की मीटिंग भी हुई, एक मंच बना है, तो आप लोगों को आगे से इसमें जुड़ने के लिए खुला निमंत्रण है। लेकिन शंकर पारस बोलने के बाद मैं फिर से एक बार अपनी बात करूंगा, तो शंकर और पारस। तो धन्यवाद साथियों। सोशल ऑडिट में जो बड़ी बात है वो है समाज के बीच में वो बात आए, लोगों के बीच में बात आए। अभी आप सोचो कि सरकार का जो पूरा ढांचा है उसमें, भूतनाथ सिंह सरकार का जो ढांचा है उसमें वो खुद ही तैयार करते हैं कागज, इम्प्लीमेंट काम करने का, कागज तैयार करने का, फिर खुद ही जांचते हैं, खुद ही ऑडिट करते हैं, मतलब उनके कागज और कोई देख ही नहीं सकता। वो कागज अगर जनता के बीच में आ जाए तो वहां पे फिर अपना ऑडिट वाला हिस्सा चलता है, क्योंकि जनता के बीच में जब आएगा तो उसकी हकीकत पता लगती है और वो ऊपर मोटी मोटी जानकारी नहीं। तो सोशल ऑडिट में बड़ा हिस्सा जो है वो जानकारी का है, कि जानकारी ऐसी जो बारीक से बारीक नीचे तक पूरे संपूर्ण जानकारी चाहिए। मोटी मोटी जानकारी में मोटा मोटा ऑडिट होगा, संपूर्ण जानकारी में एक एक डिटेल की बात होगी, क्या आया, कितना आया, कब आया, कौन लाया, किसके नाम से बिल बने हैं, कहाँ पे बना है ये चीज या बनी है, तो वो तो समाज बताएगा कि कहाँ बनी है नहीं बनी। वो लोग जो ऑडिट में आप जो कागज, तो कागज बहुत महत्वपूर्ण है और कागज पूरे कागज अधूरे नहीं, पूरे कागज महत्वपूर्ण है। मतलब एक अगर आपको वो किसी एक काम का अगर डिटेल चाहिए तो उसमें पूरा आना चाहिए कि ये काम किसने स्वीकृत किया, कितने रुपए इस पे स्वीकार हुए और किस डिपार्टमेंट ने किया, इसकी सैंक्शन कितने की है, कितने कब कब से कब तक का ये काम है, और इंप्लीमेंट एजेंसी कौन सी है जिसने क्या क्या इंप्लीमेंट किया, इसने मस्टोल भरे तो किस किस के नाम है, उसमें अगर बिल आए तो उसमें हर बिल का डिटेल रहती है, उसमें सीमेंट आया, बजरी आई और कुछ सामान आया, तो वो पूरा और उसका आंकड़ा मिलता है कि नहीं मिलता गणित के हिसाब से, तो वो पूरा जनता के बीच में जब जाएगा तब जनता अपने आप जवाब देती है, उनको मालूम है कि ये सब चीजें नहीं हुई है। तो इसलिए सोशल ऑडिट जो अवधारणा पूरी जो निकली है वो आरटीआई की बात की कहानी, क्योंकि आरटीआई पहले सबसे पहले महत्वपूर्ण आरटीआई है, आपके पास है ही नहीं, आप जान ही नहीं सकते कोई चीज, तो फिर आगे की बात क्या करेंगे। तो इसलिए जब पूरी संपूर्ण जानकारी आ जाती है तो वो लोगों के बीच में जाती है, तो वहां पे ऑडिट का हिस्सा चलता है। खूब सारे ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जो आपको हम बता सकते हैं कि जब कागज लोगों के सामने जाते हैं तो लोग उस कागज की वो उसकी वास्तविकता जो है उसको बताते हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है ये, जो किस्से कहानी तो बहुत पुराने हैं, जो निक उस समय ये जनसुनवाई का दौर चल रहा था। अभी आप देख सकते हैं कि लोगों को पेंशन मिलते मिलते बंद हो जाती है। अच्छा अब वो चक्कर लगाए और उसके बाद उनको लगता है कि हमारे भाग्य में लिखा हुआ नहीं है, जितना मिलना था मिल गया, लेकिन जब कागज देखो तो कागज बोलता है कि तुम्हारी डेथ हो गई। वो जो शख्स जिंदा है उसको आप कागज में दिखा दोगे डेथ है, डेथ के बाद सरकार तो कुछ करेगी नहीं क्योंकि आपके पास तो वो व्यक्ति डेथ हो गई, तो उसका क्यों करोगे आप। तो वो जब वो डेथ वाले कागज बाहर आए तब कभी डेथ किसने कहा डेथ हो गई, इसमें किसने रिपोर्ट लगाई डेथ की। राजस्थान में करीब 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको आपने कागजों में केवल अपनी तीसरी करके ऐसे ही लिख दिया कि इसकी डेथ होगी इसलिए पेंशन बंद होगी, उनकी वो कागज सामने आने की वजह से वापस चालू। कई बार राशन डीलर में वो अपना गेहूं दे रहा है और उसने देखा कि 2 महीने में एक बार देना है और उसको कागज में दोनों महीने के उठा रहा है, वो कागज जनता के बीच में आते हैं तो जनता फिर कहती है भाई हमें तो एक बार ही मिला और ये 2 बार
हमें 40 किलो ही मिला, इसने 80 कैसे उठाया, पर्ची देगा नहीं। तो सब में बहुत महत्वपूर्ण है कि वो कागज और वो रिकॉर्ड वो लोगों के बीच में आए तो असलियत असलियत पता चलेगी। क्योंकि कई बार कागज तैयार करने में सरकार बहुत उस्ताद है, उनका अपना मशीनरी जो है वो यही सीख के आती है, वो ब्यूरोक्रेट्स पूरा कागजों में, वो कहते हैं ना कि 100 बको एक लिखो, मतलब हमने जो लिख दिया वो सही है, आप 100 बकते रहो आपका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो बकझक हमारी है और वो कागज का मिलान अगर होगा तब बात आगे मजबूती से बढ़ेगी। वो मारवाड़ी में हमारी कहावत है कि भैंस मांगे काकड़ा, भैंस जो खाती है उसमें काकड़ा मतलब उसका वो उसको बंटा कहते हैं उस खाने का, और सरकार मांगे आंकड़ा, तो सरकार के तो कागजों में आंकड़े चाहिए और भैंस को काकड़े चाहिए। तो इस बीच में ये कागज और जनता के बीच का जो संबंध है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं निखिल और बताएगा शायद वो भीलवाड़ा वाले सिद्धांत अगर आप बात में अपनी बातचीत में लाओगे तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सब कुछ है, उसमें सब समेटा है कि उसमें जानकारी भी चाहिए, फिर आगे सुनवाई चाहिए, फिर आगे कार्रवाई चाहिए, ये सारे हिस्से हैं, उसको डिटेल से निखिल और बात करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि ऑडिट वाला जो हिस्सा है वो जनता को बहुत पावरफुल मजबूत करता है लोगों को, और ये सब जगह संभव, इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ हो सकता है कि वहां हो सकता है, ये नहीं, ये बिल्कुल सब जगह संभव है, किसी भी डिपार्टमेंट में संभव है। केवल कागज जो है वो जनता की जानकारी में आना चाहिए, जो कागज आप लिख रहे हो वो कागज आप कंप्लीट कर रहे हो वो रिपोर्ट जनता के बीच में आनी चाहिए। ऑडिट जो सरकार करती है वो मैनेज होता है, और सरकार जो ऑडिट करती है वो अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि वो एक राइट लगाते जाते हैं कागजों में, टिक 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 करके, ये सब ठीक है, कैश बुक को इसकी जोड़ तो गलती नहीं है, इसका बिल पे नंबर तो ठीक है कि नहीं है, वो सब देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये चीज वहां पे है कि नहीं है, जो आप कागजों में कह रहे हो वो मौके पे बनी कि नहीं बनी वो देखते ही नहीं है कभी, उनको तो कागज कंप्लीट चाहिए। तो वो कागज अगर सरकार के लोग कंप्लीट करते हैं और वो अगर मैनेज हो जाए तो और भी बड़े गफले हो सकते हैं, क्योंकि इसमें उसमें कोई ऐसा नहीं कह सकते कि सब ठीक है, क्योंकि सब ठीक नहीं है। वो सब ठीक तो उसका सत्यापन या उसकी सर्टिफिकेट जनता दे, उसका सर्टिफिकेट लोग दे, जिस जिस इलाके में जो काम होना है उन लोगों को वो कागज पढ़ के पूरा सुनाया जाए ढंग से। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सोशल ऑडिट में गांव के लोग क्या समझेंगे, वो तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको उनको वो कागज सुनाया जाए। इसीलिए वो ऑडिट का मतलब ऑडियार, ऑडियार मतलब सुनना, तो वो कागज उनको सुनाया जाएगा तो वो बता देंगे अपने अपने मोहल्ले में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक एक हकीकत, चाहे आपके नरेगा के काम हो या कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन का काम हो, सरकार की स्कीम जो लोगों को देनी है वो किसको दिया नहीं दिया, आवास है, कुछ भी जो 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 चीज, इवन अभी जो कोविड के दौरान जो आप बांट रहे हो वो सब चीजें पब्लिक के उसमें आएगी तो आपको हकीकत पता लग जाएगा। तो हकीकत और सच्चाई जानने के लिए जन सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण औजार है, और जन सुनवाई एक आप दो कम लोगों के बीच में झूठ वूट सब चलता है, आप कोने में बैठ के 2-4 लोगों के बीच में सब कुछ मैनेज हो सकता है, लेकिन जब लोगों की संख्या और लोगों के सामने आप बात बोलोगे तो बोलने वाला झूठ बोलना मुश्किल है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं आज जो बोल रहा हूँ इसका सत्यापन करने वाले सामने बैठे हैं तो वो झूठ भी नहीं बोल सकता उसको। और ऐसे कई किस्से हमारे उस दौरान काम के दौरान आए हैं जहाँ जनता ने साबित किया है और सरकार ने माना। उस समय पहले पहले सरकार नहीं आती थी, पहले पहले हम कोशिश करते थे कि चलो जन सुनवाई किया तो पत्रकार आगे या कोई रिटायर्ड जज, उनको पटापट के हम लिया है कि आप आके पैनल में बैठो और सबके सामने ये हमारी जन सुनवाई चलेगी इसमें आप सुनो। बाद में जब ये बात अखबार में आने लगी कि इतना ये खाया, इतना गड़बड़ हुआ, इतना भ्रष्टाचार हुआ, तो सरकार भी आने लगी, उनको लगा कि हम बुलावा तो हम हर बार देते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनको नहीं बुला, पहले बुलाते हैं कि हम एक जन सुनवाई कर रहे हैं आप आइए। और ऑडिट वाला हिस्सा जनता ऑडिट मतलब वो जनता के साथ जुड़ के उसकी भागीदारी से ऑडिट होगा तो वो सच्चाई को बिल्कुल सामने लाएगा। शंकर जी, जी मैं ये बोला था कि अगर यहाँ पे काफी लोग जो हैं वो उत्सुक हैं कि आप जो स्टेप बाय स्टेप अगर प्रोसीजर पूरा बताएं किसी भी एक जन सुनवाई का,
जी उससे लोग सीखेंगे कि उनको अपने अपने इलाकों में किस तरह से वो जनसुनवाई कर सकते हैं। तो एक जरा आप थोड़ा सा प्रोसीजर भी थोड़ा सा डिफाइन कर दे सब लोगों के लिए। हाँ, तो अभी इसमें है कि मैं पहली जनसुनवाई की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले एक जनसुनवाई 94 में हुई थी कोट किराना में। तो वहाँ जनसुनवाई क्यों चालू होगी, क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा पेमेंट फंसा हुआ है और मेरे को पेमेंट मिला नहीं। तो पहले हम उस व्यक्ति के पेमेंट की बात नहीं किया, हमने कहा भी इस व्यक्ति ने जिस काम के ऊपर काम किया था, जो निर्माण कार्य हुआ था उसमें इसने काम किया था, उस काम की पूरी डिटेल चाहिए। तो सबसे पहला कदम तो हमारा ये कि हमें जानकारी कागजों की पूरी थी पूरी, उसमें से आधे अधूरे कागज नहीं चल सकते। सरकार के लोग अगर हमें अगर समझ नहीं है कि हमें कौन से कागज या कितना डिटेल हमें लेना है और वो हम आधे अधूरे लेके आ गए, तो जो करप्शन वाला हिस्सा है उसके कागज वो रोक देंगे, आपको देंगे ही। तो हमें ये समझ होनी चाहिए कि जिसकी भी हमें जानकारी लेनी है वो परफेक्ट और पूरी जानकारी हमें चाहिए, ताकि वो कागज हमारे सामने आए। फिर उसके बाद हमें उन कागजों को देख के समझना है कि ये अगर एक ही व्यक्ति बार बार कई जगह कई पखवाड़ों में काम कर रहा है, तो हम उनको एग्जाई करते थे, हम उनका पूरा प्रोसेस तैयार करते थे कि एक व्यक्ति को हम जब पूछेंगे उनको तो कितनी बार पूछेंगे, हम कहेंगे भैया आप इस पखवाड़े में थे, फिर अगली बार भी आया, फिर और भी आया, तो बार बार वो भी थक जाएगा। तो हम उसमें पूरा डिटेल निकालते थे कि इस ये पटवार घर बना है, इसमें आपकी हाजिरी इतने इतने दिन लगी हुई है, इसकी इतने आपको पैसे मिले। तो वो पूरी डिटेल जानकारी हमारी समझ में हमें उस विभाग, जिस विभाग की हम ऑडिट की बात कर रहे हैं या जिस जिस संदर्भ की हम बात कर रहे हैं, उसके पेपर पूरे चाहिए। फिर वो पेपर आपको डोर टू डोर लोगों के बीच में जाके सुनाना, जिस जिसका भी नाम उसमें है उनको आपको बताना है, बात करना कि आपका इस कागज में नाम लिखा हुआ है, आपको ये पैसे मिले या नहीं मिले। ये जनसुनवाई से पहले की प्रक्रिया है ये, और वो सोशल ऑडिट का भी तरीका वही है कि आप उन लोगों से आमने सामने रिकॉर्ड का छानबीन उनके सामने हो। हो सकता है वो कहेगा अरे भैया मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है, नाम ऐसे ही लिख दिया किसी ने, मैं तो कभी गया ही नहीं या मैं तो कभी गई नहीं, या फिर हो सकता है वो मैनेज क्या हुआ हो, तो भी वो बोल देगा हाँ भैया मिल तो गया लेकिन मुझे याद नहीं है कितना क्या हुआ। तो वो जब बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो वो झूठ भी उसका चलेगा नहीं, वो सच्चाई सामने आ जाएगी। तो कागजों को कागजों का सत्यापन लोगों के बीच में करके फिर एक तारीख आप तय कर रहे हैं, जो उस जब आप कागजों का सत्यापन कर रहे हैं तो उस तारीख को आप लोगों को बोला रहे हैं कि आपको उस दिन आना जरूरी है, आप उस दिन 2 घंटे का टाइम निकालें, आप आए, आपका नाम हम पुकारेंगे वहां क्योंकि आपका इस लिस्ट में नाम है, और वो एक पैनल बनेगा वहां फिर एक, और उस दौरान पूरा ऑडिट आपके सामने चलेगा, कागज होंगे, लोग होंगे और आमना सामना होगा, और वो कागज कंप्लीट हो, कागज में कोई कमी नहीं होगी। वो मान लो वो कोई कोई कह रहा है ना कि 5,20,000 का एक मामला है, ये बिल्डिंग इतने की बनी है, अब 5,20,000 की डिटेल चाहिए, उसमें मटेरियल के कितने बिल हैं, उसमें लेबर के कितना है, उसमें कोई ऑडिट फीस भी दिए तो वो कितनी है, उसमें तो ऑफिसर के लिए खर्चा किया तो कितना है, उसमें कोई ट्रांसपोर्ट का लगाया तो वो कितना है, कुछ भी जो जो खर्चे हैं उसके आंकड़े के साथ में तुलनात्मक 5,20,000 इसमें आपने खर्च बता रखा है, उसके पूरे कागज लोगों के बीच में जाए और वो लोग फिर अपने जनसुनवाई में आए। राहुल जी, अब हम यदि पारस को ले सकते हैं, पारस बताएगा कि अब ये एक सरकारी प्रक्रिया बनने से इसकी संभावनाएं कितनी बढ़ गई है। पब्लिक ऑडिट तो हम करते ही रहे, जो शंकर ने एक तरीके से बताया कि इसी से जाके वो सोशल ऑडिट बना, लेकिन और सवाल हम बाद में ले लेंगे पारस, क्योंकि काफी सारे सरकारी जन और सरकार का एडवांटेज क्या है कि हम लोग को कोई कई कागज मिले या नहीं मिले, लेकिन तीन चीज बताऊं, जैसे शंकर कह रहा है जानकारी चाहिए, अब जब सरकारी ऑडिट हो जाता है, मतलब सोशल ऑडिट हो जाता है पब्लिक ऑडिट से, तो सरकार के ऊपर ड्यूटी है कि वो ना केवल धारा 4 में वो वेबसाइट पे डालें, उनका ड्यूटी है कि ये घर घर पहुंचे सूचना। तो आगे के लिए अभी ठीक से हो नहीं रहा है, कई राज्यों में हो रहा है कुछ कुछ और कई राज्यों में बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, लेकिन ये करवाने लग जाएं तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो।